सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हमारे देश के पार्लियामेंट और राजपथ के आसपास की बिल्डिंग्स को पूरी तरीके से रिवैम्प करने का एक प्लान है, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए की कीमत बताई गई है। तो समझते हैं कि इस प्लान में एक्चुअल में क्या होने वाला है और किन चीजों में बदलाव हमें देखने के लिए मिलेगा। ₹2022 में हमारे आज़ादी के बाद में 75 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं और इसके साथ ही देश के सबसे पावरफुल एरिया को एक नया लुक और नई फंक्शनैलिटी देते हुए विस्टा प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया है। दोस्तों, आज हमारा राजपथ 3 किलोमीटर लंबा है राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच में, और इनके ही आसपास बनी हुई कई सारी बिल्डिंग्स का काम इस प्रोजेक्ट के अंदर किया जाएगा। पहले बात करते हैं पार्लियामेंट की। दोस्तों, जो करंट पार्लियामेंट है उसके बगल में ही नया पार्लियामेंट ब्लॉक बनाया जाएगा। 60,000 स्क्वायर मीटर की स्पेस में ये बनेगा, जो प्लॉट नंबर 118 के नाम से आज करेंटली जाना जाता है। लोकसभा में 876 मेंबर्स के बैठने की जगह होगी, जबकि राज्यसभा 400 मेंबर्स के हिसाब से बनाया जाएगा। वैसे राज्यसभा की एक्सपेंडिंग कैपेसिटी 1,224 मेंबर्स की होगी, जो जॉइंट सेशन के दौरान इतने बड़े अमाउंट ऑफ लोगों को अपने अंदर समा पाएंगे। जो आज का सेंट्रल फोयर है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों मौजूद है, इसे एक गैलरी में चेंज कर दिया जाएगा, जहां पर पब्लिक के लिए एक लाइब्रेरी और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्प्ले करने के हिसाब से कई सारी सुविधाएं बनाई जाएगी। आज दिल्ली में एक बहुत बड़ी दिक्कत ऐसी है कि हमारी जो 50 अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, इनके ऑफिसर्स सारे के सारे विस्टा में मौजूद नहीं है। कई अलग अलग जगहों पर ये फैले हुए हैं, जिसके कारण जब भी कोई मिनिस्ट्रीज अपने ऑफिसर्स और पार्लियामेंट के बीच में ट्रैवल करता है, तभी ट्रैफिक बंद करनी पड़ती है और इसी कारण काफी दिक्कतें आती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक नई सेक्रेटरीट बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसमें टोटल 10 अलग अलग सेक्शंस होंगे। यहाँ पर हमारी सारी 50 मिनिस्ट्रीज को फंक्शन करने के लिए जगह होगी और कोई भी बिल्डिंग इंडिया गेट से ज्यादा लंबी नहीं होगी। इसके अलावा इसी सेक्रेटरीट के पास में नए प्राइम मिनिस्टर का घर बनाया जाएगा और साथ साथ नए वाइस प्रेसिडेंट का भी। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर का घर लोक कल्याण मार्ग पर मौजूद है दिल्ली में, जिसके कारण जब पीएम अपने घर और अपने ऑफिस के बीच में ट्रैवल करते हैं, उस समय पर भी ट्रैफिक बंद करना पड़ता है और ना सिर्फ लोगों को दिक्कत होती है लेकिन समय भी जाया जाता है। जो करंट नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक राष्ट्रपति भवन का आज फंक्शनल है, उसे एक म्यूजियम में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया जाएगा और इन्हें कम्प्लीट करने के लिए काफी ज्यादा शॉर्ट डेडलाइंस दी गई है। पार्लियामेंट बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए टाटा प्रोजेक्ट्स को 24 महीनों का समय दिया गया है, ताकि 75th इंडिपेंडेंस डे के पहले ही ये बिल्डिंग्स फंक्शनल हो सके, जबकि बाकी बिल्डिंग्स के लिए भी ज्यादा लंबी डेडलाइंस नहीं है। दोस्तों, हमारे पूरे पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स की जितनी बिल्डिंग्स है वो 100 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है। इसके लिए नीड ऑफ द आवर था कि एक नई बिल्डिंग डिजाइन की जाए और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क बनेगा।